हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शोर ऑफ क्लासेस। तो आज हम लोग सम सॉल्व करेंगे एसएससी के मैथ्स पेपर ईयर 2017 फॉर 10+2 लेवल। सो हम लोगों के पास इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक राइस ट्रेडर जो 22 रुपये क्विंटल फॉर राइस ऑफ राइस के लिए 3,344 रुपये देता है, तो 24% अगर वो उसका लॉस्ट होता है इन ट्रांसपोर्टेशन, सो रेट ऑफ द सेल प्राइस क्या होगा जब वो 30% प्रॉफिट करेगा। सो हम लोगों को ये निकालना है कि 30% प्रॉफिट में उसका सेल प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं कि बैलेंस क्वांटिटी ऑफ राइस, हम लोग बैलेंस क्वांटिटी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 24% राइस लॉस्ट हुआ था ट्रांसपोर्टेशन में। तो बैलेंस क्वांटिटी ऑफ राइस है 22 × 100 − 24 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया हम लोगों का 22 × 76 / 100, मतलब 418/25 क्विंटल। तो ये हो गया हम लोगों का बैलेंस क्वांटिटी ऑफ राइस। अभी न्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस क्या होगा, न्यू कॉस्ट प्राइस, तो वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3344 जो कि सेलिंग बाइंग प्राइस था ट्रेडर का, तो वो डिवाइडेड बाय ये जो बैलेंस क्वांटिटी ऑफ राइस है वो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 418/25। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 3344 × 25 / 418। अभी यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 200 per quintal। सो अभी हम लोगों को ये निकालना है कि 30% प्रॉफिट के साथ सेलिंग प्राइस क्या होगा राइस का। सो 30% प्रॉफिट के साथ सेलिंग प्राइस होगा 200, जो कि हम लोगों का 200 per quintal निकला है न्यू प्राइस कॉस्ट फॉर राइस, इनटू 30%, मतलब 100 + 30 मतलब 130/100। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 30% प्रॉफिट के साथ राइस। तो यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2 × 130 मतलब 260 per quintal, 260 per quintal हो गया हम लोगों का आंसर। सो क्वेश्चन का ऑप्शंस देखते हैं हम लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस था। सो ऑप्शंस थे 88.86 per quintal, 197.6 per quintal, 269.2 per quintal एंड ऑप्शन डी 260 per quintal। सो ऑप्शन डी होगा हम लोगों का सही आंसर। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 4 फॉलोइंग ऑप्शंस दिया हुआ है, तो हम लोगों को ये देखना है कि कौन सा करेक्ट है। तो पहले है 4x − 3y होल स्क्वायर, मतलब a − b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो a − b होल स्क्वायर का फॉर्मूला पहले लिखते हैं, a − b होल स्क्वायर मीन्स a² + b² − 2ab। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जैसे कि 4x − 3y था, तो 4x a की जगह पे एंड 3y y की जगह पे ये होल स्क्वायर। तो फिर 4x का होल स्क्वायर मतलब 16x²
प्लस बी स्क्वायर मतलब ये हो गया कि 3y का होल स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर। अभी 2ab मतलब 2 इंटू 4x इंटू 3y, सो ये हो गया माइनस 2 इंटू 4x मतलब इंटू 3 मतलब 24 और xy। सो ये हो गया हम लोगों का 4x माइनस 3y होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखते हैं यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे दो ऑप्शन से ए और डी, जहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो अगर यहाँ में इसमें से कोई अगर करेक्ट हो गया तो हम लोगों को और यहाँ पे भी है एक, ओके तीन है ए बी सी, अगर यहाँ ये तीनों में से अगर कोई करेक्ट हो गया तो हम लोगों को ये वाला नहीं करना होगा क्योंकि एक ही करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट वन हम लोगों का है ऑप्शन में 16x² राइट है, 12xy हम लोगों के पास 24xy है, सो दिस इज नॉट द राइट वन। अच्छा तो सी दैट इज ऑल्सो 16x² 12xy है, सो 12xy अगेन रॉन्ग। डी है 16x² माइनस 24xy एंड प्लस 9y², सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। सो अभी हम लोगों को ये वाला सर क्वेश्चन नहीं करना होगा, सो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे राइट आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।